ये क्या? परी बहन द्विपहिया वाहन रक्षा टोप? नहीं नहीं, ये तो हेलमेट है। द्विपहिया वाहन रक्षा टोप यानी कि हेलमेट, वही कह रही है दीदी। दिख रहा है हमें, लेकिन क्यों? पहनो, ये है हेलमेट यानी चोटी सुरक्षा हेलमेट। उस चुड़ैल से अपनी चोटी बचाने का धमाल उपाय। अब वो छोटी चुड़ैल हमारी चोटी काट पाएगी? नहीं। अब हमारे बाल रहेंगे इस हेलमेट के अंदर, तो क्या करेगी वो बंदर? बंदर नहीं, चोटी चुड़ैल। वहाँ पता है पता है, लेकिन वो बैठ नहीं जाता ना। अंदर बंदर, बंदर बैठ गया। वस्तुतः वर्तमान स्थिति में हमारी लिपट घुमावन केश धुमछल्ला सुरक्षा हेतु ये द्विपहिया वाहन रक्षा टोप योजना पूर्णतः उचित है। अभी तो ऐसी हालत चल रही है कि हेलमेट से सुरक्षा का सुझाव भी अच्छा है, कह रही है दीदी। अरे भगवान, सोच के देखो, सोच के देखो, कैसा लगेगा पूरे घर में आप लोग हेलमेट पहन के घूमोगे। प्रेमा समझाओ ना कुछ। गंजे सर के साथ घूमने से तो अच्छा है सर पे हेलमेट लगा के घूमे। सोच के देखो। और प्रतिभा बहन, ये मत भूलो कि अगर चोटी चुड़ैल ने चोटी काट दी ना, तो हम भी ननद जी की तरह चुड़ैलों की टोली में शामिल हो जाएंगे। फिर घूमते रहना मेरठ भर में कैंची लेके औरतों के पीछे। काट के देखो, काट के देखो, काट के देखो। देखो जो कुछ भी है, आप लोग पहनना ये हेलमेट वेलमेट। मैं हेलमेट नहीं पहनने वाली हूँ। मेरे लिए हेलमेट मत खरीदना। तुम्हें ये पहनना है, ये लो। मैं कह रही हूँ मेरे लिए हेलमेट मत खरीदना। अरे मैं सबके लिए खरीद के लाई हूँ, तुम्हारे लिए भी है, ये लो। ये देखो जो रंग पसंद है ले लो। ये चार तुम चारों के लिए और एक मम्मी जी के लिए। लेकिन ना ननन जी के लिए मैं नहीं लेके आ पाई, क्योंकि ननन जी के तो बाल पहले ही कट गए थे ना। मेरा दिमाग थोड़ा बाद में चला। हे भोले, ये कहाँ हो रहा है प्रभु? कहीं प्रार्थना और पंजीरी की बात सच तो नहीं? कहीं मेरी बेटी कुसुम के अंदर सच में चुड़ैल ने डेरा तो नहीं डाल लिया? नहीं नहीं, ये सब मेरे मन का वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। कुसुम में चुड़ैल? अरे नहीं चाहिए जीवन बीमा, मेरे लल्ला ने करा रखा है और पूरे मेरठ में मेरा ही नंबर मिला है तुम्हें। और पूरे मेरठ में छोटी चुड़ैल को भी मेरा ही घर मिला है, मेरी ही बच्ची मिली थी डेरा डालने को। नहीं नहीं कुंती, ऐसा नहीं हो सकता। कुसुम बिल्कुल ठीक है, ये तो सब अंधविश्वास है। प्रतिभा बहू बिल्कुल ठीक कहती है, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। लेकिन जो कल रात को सामने आई थी वो कौन थी? ये मशीन कैसे चल पड़ी? ये लल्ला भी ना सिलाई मशीन लाके मेरे कमरे में रखवा दिए। खतरू से कहा भी था कि इसे लेके जाए, लेकिन नासपिटा मेरी सुनता ही नहीं। सासुमा,
चोटी वाली प्रतिभा। छोटी चुड़ैल आई है, कहाँ है? पीछे। पीछे कुछ नहीं है सासू माँ। पीछे। कोई नहीं है सासू माँ यहाँ, देखिए कोई नहीं है। चुड़ैल आई थी, अभी ये मशीन खुद ब खुद चल रही थी और ये कुर्सी भी हिल रही थी, सब कुछ हिल रहा था। सासू माँ सोच के देखो, अपने आप कैसे हिल सकता है कुछ भी? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी, सोच के देखो। एक मिनट, अब बैठिए। ये सब ना सासू माँ मन का वहम है और कुछ भी नहीं। एक तो ये प्रार्थना पंचीरी ने सबको डरा के रखा है, छोटी चुड़ैल छोटी चुड़ैल 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 चुड़ैल, ना चाहते हुए भी सबको छोटी चुड़ैल दिख रही है। अब पानी पीछे। पानी भी नहीं है। सॉरी मैं लेकर आती हूँ। तू क्या वहम कह रही है? उस दिन रात को मैंने अपनी आंखों से चुड़ैल को इस घर में देखा था। बोले पापा मेरी रक्षा करना और मेरी बहुओं की भी, और सबसे ज्यादा उनकी चोटी की। ये तो क्या जिया बहादुरी बनी चोटी दिखाती घूम रही है। सासू माँ आप चिंता मत कीजिए, आप बैठे 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 शांति से बैठे, कुछ नहीं होगा। मैं पानी लेकर आती हूँ, शिव जी का नाम लीजिए, मैं आती हूँ। दरवाजा खुला ही है। घड़ी की सुई तो हिलती है। बोली इस द्विपहिया वाहन रक्षा तोप संग भिन्न भिन्न क्रियाएं करना बहुत जटिल है। बोलो दीदी, सिर्फ मुंह मत हिलाओ। बोली उत्तर प्रस्तुत करो। प्रश्न प्रस्तुत करो दीदी। बोली अब बोलो। बोली इस द्विपहिया वाहन रक्षा टोप संग भिन्न भिन्न क्रियाएं करना बहुतायत जटिल है। दीदी बोलो, सिर्फ मुंह मत हिलाओ। अब तुम बोलो कि दीदी ने क्या बोला। हाँ दीदी फिर से बोलो। बोली इस द्विपहिया वाहन रक्षा टोप संग भिन्न भिन्न क्रियाएं संपन्न करना बहुतायत जटिल है। द्विपहिया वाहन हेलमेट। हेलमेट लगा के काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, कह रही है दीदी। देखा देखा मैंने कहा था ना, सोच के देखो। मैंने कहा था कि ये हेलमेट का आइडिया एकदम बकवास है। परंतु प्रतिभा बहन, हमारी लिपट घुमावन केश धुमचल्ला सुरक्षा विधि भी तो अनिवार्य ही है। छोटी की रक्षा करना भी तो जरूरी है, कह रही है दीदी। दीदी आपके लिए मुनक्के डाल के गर्म दूध और आपके लिए चाय लेके आई हूँ। ठीक है मैं टेबल पे ही रख देती हूँ। कहा था मैंने हेलमेट मत पहनो। सुनाई नहीं दे रहा। हाय राम, हो गया ना एक्सीडेंट? अनुपम में हिस्सा हुआ। पंजीरी देख के तो चलो। दिख तो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। ले इसको जनपा पर इसमें। एक सेकंड, तुम दिखने की बात कर रही हो, मुझे तो इस हेलमेट में ठीक से सांस भी नहीं आ रही। देखो बहनों, मुझे नहीं लगता ये हेलमेट का आइडिया काम करने वाला है। दीदी आप ये हेलमेट उतार ही दो, हर वक्त हेलमेट पहनने से कहीं गर्दन टेढ़ी ना हो जाए। आपको फूफा याद है? हमारे फूफा, उन्होंने नया स्कूटर लिया था और लेते ही चोरी हो गया। उस दिन फूफा ने कसम खा ली थी, जब तक स्कूटर नहीं मिलता वो हेलमेट नहीं उतारेंगे। सोते जागते खाते पीते सब हेलमेट में। 3 महीने बाद स्कूटर तो मिला लेकिन उनकी गर्दन बाई तरफ टेढ़ी हो गई और वो सब बाई तरफ की जगह ही जा पाते हैं। अगर उन्हें दाई तरफ जाना होता है तो स्कूटर से उतरते मोड़ते फिर दाई तरफ की जगह जाते हैं। लेकिन इसमें चुड़ैल कौन थी? प्रेमा बहन, अब इस छोटी चुड़ैल से दीदी की चोटी की रक्षा कैसे करेंगे? ऐसे
छोटी चुड़ैल से खुद को बचाने का तरीका नंबर दो। हम अपने सर पे मंजीरी बिठाएंगे। मैं नहीं बैठूंगी। नहीं 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 नहीं, मंजीरी नहीं, पिंजरा लगाएंगे। वो क्या है ना, हेलमेट की वजह से मैं सेल्फी नहीं ले पा रही थी, इसलिए ये पिंजरा। इससे हमें सांस भी आती रहेगी और हमारे सारे काम भी हो जाएंगे। और पता है पंजीरी, इसमें ना तुम खाना बनाते वक्त अपना खाना चख भी सकती हो। पता है कैसे? ऐसे। प्रार्थना, तुम पिंजरे से ही टीका भी लगा सकती हो। और प्रेमा, तुम पिंजरे से लिपस्टिक भी लगा सकती हो। और प्रतिभा, तुम पिंजरे से ही अपनी किताब पढ़ते पढ़ते करते हुए अपनी चाय पी सकती हो। और इसमें मैं अपनी सेल्फी भी ले पाऊंगी। तरीका तो अजीब है लेकिन किया जा सकता है। छोटी चुड़ैल और ननद जी के अंदर की चुड़ैल से दीदी के बालों की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। क्या मतलब, अब तुम लोग ये पिंजरा पहनकर घूमोगे? और हे भगवान, ये लो मेरी। छोड़ो, तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। पहनो, चलो हम लोग सेल्फी लेते हैं। हाँ, तो पिंजरे की दीदी पंजीरी पहनना बहुत आसान है। मेरा मतलब है कि पहले कभी नहीं देखा का? दीदी बोलिए। अरे खड़ी खड़ी काहे डर रही हो? जान तो मेरी निकाल दी उस कॉकरोच ने। कॉकरोच? हाँ भाभी, कॉकरोच ने मेरे कमरे में। तुम कॉकरोच को देख के चिल्ला रही थी? हाँ। ओ, तो आप कॉकरोच को देख के भागी थी? लेकिन बाहर किसके डर के बारे आई? भाभी, जितना चूहे को बिल्ली से डर नहीं लगता, उतना मुझे कॉकरोच से डर लगता है। परंतु ननन जी, कृपया व्यक्त कीजिए, आपके मुखमंडल एवं वस्त्रों पर ये रक्त किस कारण वर्ष? लेकिन आपके कपड़ों पे और मुंह पे खून कैसे लगा, पूछ रही है दीदी। ये खून ही काढ़ा है। गाजर, चुकंदर, आंवला, लाल अमरूद, मैं सावधान इंडिया देखते देखते काढ़ा पी रही थी और अचानक से कॉकरोच आया और मेरे हाथ से ग्लास छूट गया। मतलब आपने कॉकरोच को टीवी में देखा? नहीं, कमरे में। ये कॉकरोच भी ना एक नंबर का टुच्चा कॉकरोच है। जैसे जमुना बाग में वो लफंगे लड़के लड़कियों का पीछा करते हैं, वैसे ही दो दिन से मेरे पीछे पड़ा है। उस दिन भी जब आप लोग बरामदे में झुंड बना के खड़े थे, तो मैं आप लोग के पास ही आ रही थी कि क्या बात है, कोई चुटकुला है तो मुझे भी सुना दो।
लेकिन मैं आती उससे पहले ही कॉकरोच दिख गया तो मैं चिल्ला के भाग गई। याद नहीं उस दिन? अरे उस दिन तो मैया की सहेली भी आई थी। अच्छा मतलब उस दिन भी तुम कॉकरोच के डर से भागी थी? हाँ। वो आधे कटे सेब से नहीं? आधे छिले सेब से काहे डरूंगी मैं? लेकिन उस दिन आप आधे कटे हुए सेब को देख के डर के भागी थी वहाँ? नहीं वो तो मुझे कॉकरोच दिखा था। मैं सेब से काहे डरूंगी? आप तो मुझे जानती हैं, अगर मुझे सेब दिखेगा तो मैं उठा के खा लूंगी ना, मैं डर के भागूंगी काहे? कुसुम मैं बताती हूँ क्या हुआ। क्योंकि इन महानुभाव महिलाओं को लगता है कि जब से चोटी चुड़ैल ने तुम्हारी चोटी की हजामत की है ना, तब से तुम्हारे अंदर भी चोटी चुड़ैल घुस चुकी है, ये लगता है इन लोगों को। इसीलिए तो इन लोगों ने एक टोटका किया। क्या किया कि आधे कटे सेब पर कुछ ऐसे जुम जुम घूम घूम करके धागा वागा लगा दिया और वो तुम्हारे सामने रख दिया। जैसे ही तुम सेब को देखकर डर कर भागी कि इन लोगों का शक यकीन में बदल गया कि सच में तुम्हारे अंदर चुड़ैल घुस चुकी है। तो पंजीरी जी अब हो गई तसल्ली। ननन जी कृपया यह भी व्यक्त कीजिए, कदाचित एकत संध्या आप लिपट घुमावन केशदम छल्ला कतरन कर्मियों की वार्तालाप में व्यस्त थी, वह किस उपलक्ष्य हेतु? लेकिन उस शाम को आप चोटी काटने की बात कर रही थी, कह रही हैं दीदी याद नहीं, एक हाथ पे फोन और एक हाथ पे कैंची लेके ऐसे काटना वैसे काटना। देखो मैं और इंतजार नहीं करूंगी। अरे बहुत दिन हो गए, जल्दी बताओ वरना मैं ही कैंची चला दूंगी। कैच। अरे भाभी वो मैं फोन पे बात कर रही थी मास्टर डी जी से, मुझे मेरी कुर्ती नीचे से कटवानी थी और आपको लगा मैं कैंची लेके का? कैंची काहे देख रही हो? मेरी तो खुद की चोटी कट गई, मेरे लंबे घने सुंदर बाल। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरठ में बेवकूफी का सबसे पहला इनाम जाता है आदरणीय दीदी, और कह रही है दीदी को। सोच के देखो, तुम दोनों ने पहले ही दिन से सबके दिमाग में ये फालतू बात डाल के रखी थी ना कि ननन जी के अंदर चुड़ैल घुस चुकी है। ननन श्री आपको हमारी हृदयपूर्ण समकालीन क्षमा याचनाएं समक्ष माफ करना ननन जी, कह रही है दीदी गलती से आप पे शक कर बैठे, कह रही हूं मैं। पर सच बताएं आज दीदी बहुत खुश है कि हमारी प्यारी ननन जी पे कोई चोटी चुड़ैल का वास नहीं। वो बिल्कुल ठीक है, इसी खुशी में मैं आज आपके लिए आपकी मनपसंद खीर बनाऊंगी। बताइए कौन सी खाएंगे, दूधी खीर, पेठा खीर, मखाने खीर, पनीर? अरे भाभी खीर भी रहने दो, आप मेरे लिए काढ़ा बना दो, गाजर, आमला, चुकंदर, लाल अमरूद, उससे बाल भी उगते हैं और खून। मैं कपड़े बदल लेती हूँ। तो हो गया? प्रतिभा बहन ये तो मान लिया कि ननन जी के अंदर चोटी चुड़ैल नहीं है, लेकिन उस असली चोटी चुड़ैल का क्या? वो तो सच में मेरठ भर में घूम रही है ना।